Assalamu alaikum students, hope for your best health and imans. And today's topic is ecological perspective of zoology. Zoology ko aaj humne study karna hai ecological perspective mein, theek hai? To thoda sa isme difference hoga evolutionary perspective se. Video ko jaldi se start karte hain, lecture ki taraf padhte hain. Usse pehle aapse request hai ki channel ko subscribe kar dein, video ko like kare agar aapko pasand aaye, aur agar na pasand aaye to dislike bhi kar sakte hain, theek hai? No problem. Uske alawa insta pe follow kar diya kare, aur phir hum apne lecture ki taraf chalte hain. To hamara topic hai jo aaj ka, wo hai zoology and ecological perspective mein humne स्टडी करना है इसको. इट्स लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, बिकॉज जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव था वो उसकी एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है. और जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इट मींस के जोलॉजी पर या एनिमल्स पर इन्वायरमेंट का या उनकी इकोलॉजी का क्या फर्क पड़ता है, ठीक है. सो दिस इज इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जस्ट एज इम्पॉर्टेंट फॉर द जोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव एज वेल द जियोलॉजिकल इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है. वैसे ही ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है वैसे ही इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी विच इज फ्रॉम द ओइकोस, मींस हाउस और होम, प्लस लोगोस टू स्टडी, ठीक है. This is the definition of ecology, which is the study of the relationship between the organisms and their environment. वे दरम्यान में जो इनका relationship होता है animals का उनकी environment के साथ, उसको हम study करते हैं ecological perspective में, ठीक है. Ecology में study करते हैं. And throughout and our history, humans का जो है वो बहुत ज़्यादा impact है, dependent on the animals and their dependence too often has to led to the आप कैसे exploitation. इतनी ज़्यादा dependence है humans की उसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, यहाँ तक कि उन्होंने एक्सप्लोटेशन की है, एनिमल्स को अपने लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है. अब किस किस चीज पे हम डिपेंड करते हैं उसके ऊपर, फॉर द फूड, फॉर मेडिसिन एंड फॉर द क्लॉथिंग. एंड वी सो डिपेंडेंट ऑन द एनिमल फॉर द अदर मोर सब्टल, जो भी हमारी बहुत ज्यादा और भी जरूरियात है जिसके लिए हम एनिमल्स को यूज करते हैं. दिस डिपेंड्स ऑन मे नॉट बी नोटिस. आप ये कह रहे हैं कि इतनी इंपॉर्टेंस में जो हमारी डिपेंडेंस है हमारा उन पर मुनहसर होना, इसको इतना नोटिस में नहीं लिया गया. बट अंटिल द ह्यूमन एक्टिविटीज अपसे डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस, जैसे जब ह्यूमन नीड्स ने, ह्यूमन एक्टिविटीज ने इसको अपसेट किया इकोलॉजिकल बैलेंस को, उस वक्त इसको नोटिस में लाया गया कि वाकई ह्यूमंस का जो इकोलॉजिकली इन्वायरमेंटलीकली एनिमल्स पे, इन्वायरमेंटली एनिमल्स पे इफेक्ट है, ठीक है. इन 1950s आज जाए नाइल पर्च, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच साइंटिफिक नेम इज लेटस नीलोक्लोटस, विच लेटस नीलोटिकस, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू द विक्टोरियन लेक. इसको विक्टोरियन लेक पर जब इंट्रोड्यूस करवाया गया, अटेम्प्ट टू इंक्रीज द फिशरी, के फिशरी को इंक्रीज किया जा सके, लेकिन हुआ क्या, इसका रिजल्ट दिस ब्यूरेशियस प्रीडेटर रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ द किकलिड फ्रॉम 99% टू 1%. इसने क्या किया कि जो किकलिड की पॉपुलेशन थी वहाँ पे 99% टू 1% तक रिड्यूस कर दी, क्योंकि ये प्रीडेटर है, ठीक है. जो ये नाइल पर्च है, जायंट नाइल पर्च, विच इज नाउन एज लेटस लिरोटिकस, तो ये बहुत ज्यादा इसकी प्रीडेटर है. इसने इसको इतना रिड्यूस कर दिया कि वो 1% तक रहेगी किकलिड. अब किकलिड क्योंकि फीड करती है एलजी के ऊपर, ठीक है, स्प्रेड ऑन द एलजी. सो द एलजी का क्या हुआ, फिर जब वहां पे किकलिड ही नहीं था तो फिर एलजी की वहां पे तादाद या उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गई. अनकंट्रोल्ड जो उसकी ये ग्रोथ थी एलजी की, अनकंट्रोल्ड हुई. एंड व्हेन एलजी डेड और डिकेड, इट मस्ट डिप्लीट द लेक फॉर द ऑक्सीजन, ठीक है. जब एलजी की डिके होती है, ये डिकम्पोजिशन होती है, तो उससे क्या होता है, उसके ऑक्सीजन यूज होती है ज्यादा से ज्यादा. तो एलजी इतनी ज्यादा डिके हुई और डाई हुई इस जो है वो अनकंट्रोल्ड वे में, इतनी ज्यादा अमाउंट में, तो ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो गई है लेक के अंदर. एंड टू मेक द मैटर्स वर्स, उससे क्या हुआ, द नाइल पर्च आर कॉट देयर एक्सेसिव ऑयल फ्लैश. इनको क्या किया, इनको जब कॉट किया गया नाइल पर्च को, इसमें ऑयली फ्लैश था बहुत ज्यादा, मस्ट बी ड्राइड. उसको, उसके फ्लैश को ड्राई किया जाता था. उसने फिर फिशर ने क्या किया, कट लोकल फॉरेस्ट फॉर द वुड नीडेड टू स्मोक द फिश, ठीक है. आपको मेरी बात की समझ आ रही है कि अब नाइल पर्च जो है इसको फिशिंग की गई इसकी, ठीक है. जब नाइल पर्च की फिशिंग की गई, तो उसका जो फ्लैश है, जो उसका मीट है, वो जो है बहुत ज्यादा ऑयली है. फिर उसको ड्राई करने की जरूरत थी, अगर उसको एज ए फूड यूज करना था, ठीक है. फिर फिशरमैन ने क्या किया, फिशरमैन ने उसको ड्राई करने के लिए बहुत ज्यादा वुड कटिंग की, फॉरेस्ट को कट किया. एंड दिस प्रैक्टिस हैज रिजल्ट्स इन द सीवियर डिफोरेस्टेशन अराउंड द लेक विक्टोरिया. इससे अब डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, एंड द रिजल्टिंग रन ऑफ द सॉइल इन टू द लेक हैज कॉस्ट फर्दर डिग्रेडेशन. अब क्या हुआ, क्योंकि अब वहां पे ट्रीज नहीं है, डिफोरेस्टेशन हो चुकी है, जो सॉइल थी वो बहुत ज्यादा रन ऑफ कर गई लेक के अंदर, तो देखें उससे फिर क्या हुआ, और भी ज्यादा डिग्रेडेशन हो गई है. एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आल्सो थ्रेटन द लेक
टेंगेनिका स्किकलेट जो लेक थी उसकी पॉपुलेशन को भी इसी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम ने इस तरह से उसको भी अफेक्ट किया था। एन एरिया टू द नॉर्थ ऑफ द लेक हैज एक्सपीरियंस्ड नियरली 100% डिफोरेस्टेशन, यानी इतनी ज्यादा डिफोरेस्टेशन, 100% कंप्लीट डिफोरेस्टेशन हो गई वहाँ पे। एंड वन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द तंजानिया साइड ऑफ द लेक आर डिफोरेस्टेड टू मेनटेन अ मीगर एग्रीकल्चरल पर सब्सिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। एंड अब क्या हुआ है कि उसकी तंजानिया को देख ले, ये टेंगेनिका किकलिट्स को देखें, इन सब की पॉपुलेशन की वजह से वहाँ पे डिफोरेस्टेशन करना पड़ी, और जिसमें 100% डिफोरेस्टेशन भी हुई, उसमें जो है इतनी ज़्यादा डिफोरेस्टेशन भी हुई एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी, एंड ओवर फिशिंग, एग्रीकल्चरल रन ऑफ एंड द वेस्ट फ्रॉम द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन हैव लेड टू द किकलेट एक्सटिंक्शन इन द लेक। और इन सब चीजों की वजह से ये जो पूरा पैराग्राफ है, किकलेट की एक्सटिंक्शन हुई। तो ये हुआ इकोलॉजिकल इफेक्ट एनिमल, ठीक है ना। जोलॉजी पे इकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ इन्वायरमेंट के की वजह से, कैसी इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड की गई, उसको प्रीडेटर की इन्वायरमेंट प्रोवाइड की गई किकलेट को। तो जाहिर अब उस प्रीडेटर ने उसको ज्यादा से ज्यादा ईट किया, प्रे किया, उससे उसकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्शन तक पहुंच गई, ठीक है। और उसमें साथ ही डिफोरेस्टेशन भी हुई, ओवर फिशिंग भी हुई, और भी बहुत ज्यादा मसाइल हो गए, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए चाहे उसको यूज किया गया। तो इस तरह से इन्वायरमेंटली जो है, इन्वायरमेंट के को हमने जो उसको करने के लिए ह्यूमन ने अपनी नीड्स के लिए पूरी इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो ये होता है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के एनिमल्स की लाइफ पे इकोलॉजिकली क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स, थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड के रिसोर्सेज क्या है और उसके एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से हैं। देयर इज अ ग्रेव कंसर्न फॉर द इकोलॉजी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, नॉट जस्ट अफ्रीकाज ग्रेटेस्ट लेक्स, बट द प्रॉब्लम However, are met acute in as इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, ठीक है। अब ये कि इस तरह के बहुत जो एंडेंजर स्पीशी वाले प्रॉब्लम्स हैं, ये सिर्फ अफ्रीका की लेक्स में नहीं हुआ, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाई हैं बहुत ज़्यादा। दी प्रॉब्लम्स हाउ एवर आर मोस्ट ओके सॉरी आई एम डन दिस एंड टू प्रॉब्लम्स विच इज द ग्लोबल ओवर पॉपुलेशन एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज आर द फोकस ऑफ आवर इकोलॉजिकल कंसर्न। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। हम वर्ल्ड रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस का कॉज बन रही है, ठीक है। पॉपुलेशन एंड ग्लोबल ओवर पॉपुलेशन इज एट द रेट ऑफ वर्चुअली ऑल अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जाहिर है ये रूट है इस चीज की, ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द 21st सेंचुरी, दैट इज विच इज इज कंटिन्यू 21st सेंचुरी, ठीक है। मिस मोस्ट ग्रोथ 92% इज लेस डिपेंड डेवलप्ड कंट्रीज वेयर द 5 बिलियन आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 6.1 बिलियन ह्यूमंस नाउ लिव। अब देखिए ये बात कब की कह रहे हैं, इन्होंने कहा है 21st सेंचुरी में, और 21st सेंचुरी आपको पता है अब चल रही है 21st सेंचुरी। तो अब इसमें कितनी वो सोचने वाली बात है कि जब ये बुक राइट की गई है उसके अकॉर्डिंग, और अब देखें कि इसकी कितना इफेक्ट आ रहा है ओवर पॉपुलेशन का, और जो मतलब कहा गया उसके अकॉर्डिंग कि इस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, एंड इट्स ट्रू, इस तरह ही हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत स्पीडीली जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और ये जो इंक्रीज कर रही है, मोस्ट 92% मोस्टली ये जो सॉरी लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें ज्यादा है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें कम है, ठीक है। सिंस हाई प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग एज एंड द ग्रोथ रेट विल इंक्रीज इन द 21st सेंचुरी, it is estimated to that the world population will reach 10.4 billion by the 2100, ठीक है। 2100 वो कह रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है ये ऑलमोस्ट 10.4 बिलियन तक पहुंच सकती है। इट्स बिग, इट्स क्वाइट बिग, ठीक है। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोस थी डिस्पेरिटी बिटवीन द वेल्दीएस्ट एंड द पुअरेस्ट नेशन इज ऑल्सो लाइकली टू इंक्रीज, जाहिर है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो डिस्प्यूट है इनमें, जो जो लड़ाई झगड़े हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये भी लेस डेवलप्ड और मोर डेवलप्ड कंट्रीज में और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। उसके बाद है वर्ल्ड रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन इज स्ट्रेसिंग वर्ल्ड रिसोर्सेज, ऑल्दो न्यू टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड प्रोडक्शन, मोस्ट ऑफ द फूड प्रोड्यूस इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑलरेडी हैव अ हाई पर कैपिटा फूड कंजप्शन एंड मैक्सिमल ऑयल प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन दिस
डायलेमा या मेलिनिमा भी इसको कह सकते हैं। मेलिनिमिया, मेलिनियम मीन्स इट्स जो है आपका कि बहुत ज़्यादा तादाद में ये प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। सो कि ये ओवर पॉपुलेशन है, ऑयल के रिसोर्सेज हैं, फूड के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहे हैं, कंटिन्यू जो यूज़ ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स एंड द कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमोसफियर, फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज बहुत बड़ा है, कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, डिफोरेस्टेशन ऑफ द लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड रिजल्ट फ्रॉम द कंटिन्यूड डिमांड फ्रॉम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द फ्यूल एंड द ट्रेंड कंट्रीब्यूटेशन टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेस द सीवियर पॉल्यूशन एंड रीजनल वाटर शॉर्टेज एंड द रिजल्ट्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी मेनी प्लांट एंड द एनिमल स्पीशीज स्पेशली इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है कि ग्रीन फॉरेस्ट सॉरी ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इफेक्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इट्स ए वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम ये जो सब कुछ हो रहा है। ये आप देखें कि ओवर पॉपुलेशन हुई है, ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, फ्यूल्स का यूज़ हो रहा है, फिर अगर जब उनको जलाते हैं या उनको यूज़ करते हैं उनको बर्न किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो ये एक देखें एक चीज़ से नई चीज़ जो है ना वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। वाटर शॉर्टेज फिर उससे हो रही है, प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है ट्रॉपिकल एरिया में, एंड फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन वुड रिजल्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट कुड बी इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द न्यू फूड्स एंड ड्रग्स एंड बिल्डिंग मटीरियल्स एंड द प्रीडेटर्स ऑफ द प्लांट्स दैट नेचर ऑल्सो हैज इंट्रिंसिक वैल्यू दैट इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज इट्स प्रोविजन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिकॉग्निशन ऑफ दिस इंट्रिंसिक वर्थ प्रोवाइड्स इम्पोर्टेंट एस्थेटिक एंड मॉरल इंस्पेक्टिव। अच्छा अब क्या है एस्पेक्ट्स फॉर द प्रिजर्वेशन, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी है कि रिसोर्सेज को, यानी देखिए अब ये एक टॉपिक है ना वर्ड रिसोर्सेज, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्ड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं वो कुछ बातें आपने ध्यान में रखनी है, ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमन फोर्स, फ्यूल बर्निंग, ठीक है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिफोरेस्टेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सोल्यूशन, अब इसके क्या हो सकते हैं, ये जो सब हमारे पास इतनी सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें क्या है, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड हेल्प प्रिवेंट द इकोलॉजिकल डिजास्टर्स लाइक दोज वी हैव डिस्क्राइब, यानी इनको पहले समझने की जरूरत है। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप एक प्रॉब्लम समझते हैं ना तो फिर आप उसके सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी प्रॉब्लम की समझ ही नहीं है ना कि ये प्रॉब्लम है क्या, तो फिर आप उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। सो वो यही कह रहे हैं कि हम अगर उनको समझें तो अंडरस्टैंडिंग हाउ मैटर इज साइकल्ड एंड रीसाइकल्ड, अब हमें पता चलना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए कि किस तरह से मैटर को हम साइकल्ड और रीसाइकल्ड कर सकते हैं, ये सोल्यूशन है। हाउ पॉपुलेशंस ग्रो एंड हाउ ऑर्गेनिजम्स इन आवर लेक्स एंड द फॉरेस्ट एनर्जी इज फंडामेंटल टू प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट, किस तरह से इनकी एनर्जी को यूज किया जा सकता है एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। सो इज द सोल्यूशन टू आवर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अनलेस वी डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन, हाउ एवर सॉल्विंग द अदर प्रॉब्लम्स कैन बी इम्पॉसिबल। वही है कि सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन को अगर हम फेस करेंगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ही हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वी मस्ट वर्क एज ए वार्ड ऑफ द कम्युनिटी टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीजेस, ऑफकोर्स दिस चीज को रोकने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए, फेमिन, कहत को रोकने के लिए एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द सफरिंग्स, ठीक है। द अकॉम्प्लिशमेंट सॉरी अकंपनी ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, जाहिर है इन्हीं वजह से फिर ओवर पॉपुलेशन होती है ना, बोल्ड एंड इमेजिनेटिव स्टेप्स टूवर्ड द इम्प्रूव्ड सोशल एंड द इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट आर नीडेड, जाहिर है रिसोर्स की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ आपके पास है, ठीक है, वाफर मिकदार में भी है, कम मिकदार में भी है, लेकिन अगर वाफर मिकदार में भी है तो क्या हमें उससे उसे उसी तरह यूज़ करना चाहिए कि वो ज़ाया होती रहे, नहीं ना। तो ये चीज़ है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा में है तो भी उसको मैनेज करके यूज करने की कोशिश करें, जहां पे जरूरत है बस तब उस वक्त यूज करें, लेकिन अगर कम में है फिर तो आपको होता ही है कि हमने उसको आराम आराम से सोच समझ के इस्तेमाल करना है। वाइल्ड लाइफ अलर्ट्स दैट अपीयर एट द एंड ऑफ द ईच ऑफ द चैप्टर इन द फर्स्ट टू पार्ट्स ऑफ दिस टेक्स्ट रिमाइंड अस ऑफ द, फिर बाकी यहाँ पे ये देखें लास्ट इन्होंने ना वाइल्ड लाइफ अलर्ट्स दिए हुए इस चैप्टर में, कह रहे हैं अगर आप उनको थोड़ा सा पढ़े ना तो ये हमें बताते हैं किस तरह से प्रॉब्लम्स बढ़ती 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 जा रही है, ये देखें, ठीक है। तो ये बता रहे हैं किस तरह की प्रॉब्लम, अगर आपको टाइम मिले तो इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसमें अगर आप देखेंगे जो लास्ट वाला टॉपिक है इकोलॉजिकल एस्पेक्टिव पॉपुलेशन मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद ये प्रॉब्लम रिसोर्स वाला, ठीक है, और
और पॉपुलेशन, उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है ये वर्ल्ड रिसोर्स उसके सॉल्यूशंस, ठीक है। ये टॉपिक ज़रा थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आप कह सकते हैं कि बोरिंग भी नहीं है और ये पढ़ने के काबिल है, ठीक है। जो फर्स्ट वाले हैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, जो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, इसमें थोड़ी सी आपकी अच्छी सी रीडिंग, कुछ टर्म्स उन्होंने जो बताई है, और थोड़ी सी एक स्टोरी की तरह आपने याद करना है कहाँ पे किस थी, क्या उस पर इफेक्ट आया, किस तरह से उन सबको ये इसने इफेक्ट किया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इसको, और वो किकलिट की कौन कौन सी टाइप्स थी, किस किस तरह से वो प्रे प्रीडेटर के रिलेशनशिप्स आए हैं, तो ये चीज़ें आपने इस फर्स्ट चैप्टर में याद करनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर हमारा जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ये कुछ ऑनलाइन लर्निंग के सोर्स भी, और समरी समरी ये समरी आपने जो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर भी सेपरेट डिस्कशन करें तो मैं कर लूँगी, ठीक है। तो अदरवाइज मैं आपको बता दूँ ये जो समरी के सब पॉइंट्स हैं ना ये आपने ज़रूर 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 लर्न करने, ठीक है। ऑल चैप्टर्स जो भी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे ऑल चैप्टर्स में समरी के पॉइंट्स आपने ज़रूर करने हैं। उसके अलावा ये ऑनलाइन लर्निंग सेंटर्स हैं, अगर आप करना चाहें इनको विजिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड टर्म्स हैं कि आपको पता हो, बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से आपको पता चल जाता है कहाँ पे इस चीज़ की डेफिनेशन है, पेज नंबर 3 आगे पेजेस लिखी हुई है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस की कोई खास आपको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो पढ़ने की, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो इट्स अप टू यू, क्योंकि आपका इससे नहीं पेपर बनता, पेपर आपका अलग से बनते हैं टॉपिक वाइज। नेक्स्ट फिर हमारा ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड एनिमल्स, ठीक है, या ऑर्गेनिजम्स। सो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मज़े के चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।